नमस्कार। 2019 महालढ़ई रणक्षेत्र पलटिछि ओडिशा। 21 लोकसभा और 147 विधानसभा आसन टिकेट घोषणा पर सबुठी जोरदार टक्कर। शंख हाथ आ पद्म लड़ई में बड़ प्रश्न, क्यों दल, क्यों चिन्ह, क्यों प्रार्थी, हेवीवेट ना नुआ मुह, जनता आगे कौन रुख्य प्रसंग, ए सबुर विश्लेषण करने साधारण निर्वाचन को नहीं आम स्वतंत्र कार्यक्रम बैटल ग्राउंड 2019। बैटल ग्राउंड 2019 एथर देखा राज्यर केतेक गुरुत्वपूर्ण निर्वाचन मंडल में पॉलिटिकल फाइट। प्रथमे देखा से ही अंचल निर्वाचनी हालचाल, जहाँ राज्यर पछुआ अंचल भितर गणा जाए, किंतु राजनैतिक दृष्टि एथर रही खूब चर्चा। आम कहूँ कंधमाल कथा। राज्य में 21 लोकसभा आसन सबुठ अधिक 5-6 सीट मध्य रही कंधमाल। एमती तो आदिवासी बहुल अंचल, किंतु 2019 महालढ़ी में कंधमाल पलटिछि हॉट सीट। यह दखल करने को बाहर नेता फाइल, जड़े समाजसेवी आ जड़े भेटरान राजनेता। मात्र मस कईटा ते राज्यसभा जाता किट आउ किस शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठाता अच्युत सामंत को कंधमाल लोकसभा प्रार्थी करजु जनता दल। ताकि बीजेडी संगठन सांग को रही आदिवासी भोट बैंक, तेरे टक्कर देवाक कंधमाल मैदान को बीजेपी उतारी खारबेले स्वाई। पूर्वर बीजेपी रू बालेश्वर सांसद होता खारबेल घर बाहुड़ा पर सीधा सड़क मिली टिकेट। ये दुईज को टक्कर देवे कंग्रेस नुआ चेहरा मनोज कुमार आचार्य। महासंग्राम चर्चित आदिवासी बहुल अंचल हॉट सीट कंधमाल। महामुहि अच्युत ओखार बेल, जड़े समाजसेवी जड़े भेटरान पॉलिटिशियन, निज जिला और निज अंचल छाड़ी एवं कंधमाल मैदान रे परस्पर को देउछंती टक्कर। 2014 रे एठारु बीजेडी सांसद होइथिले हेमेंद्र चंद्र सिंह, किंतु तांकर अकस्मात देहांत पर 2014 अक्टोबर रे होइथिबा उपनिर्वाचन रे पुणी कंधमाल रु बाजीमात करथिला बीजेडी, किंतु सेतबेले प्राय 3 लाख भोट व्यवधान रे जितिथिबा हेमेंद्रक पत्नी प्रत्युषा राजेश्वरी को एथर मिलानी बीजेडी टिकेट। प्रत्युषा शंख छाड़ी पद्म धरता बेले किट ओ किस अनुष्ठान प्रतिष्ठाता तथा राज्यसभा सांसद अच्युत सामंत को कंधमाल मैदान में उतारे नवीन। किस्रे आदिवासी पिला शिक्षा मध्यम कंधमाल अच्युत रही बेस लोकप्रियता, ता संग को नवीन और राज्य सरकार लोकप्रियता को आधार कर निर्वाचन वैतरणी पार हो लक्ष्य रखिंट अच्युत। नवीन पट्टनायक महोदय निजर लोकप्रियता एत बेसी सारा ओडिशा रे एवं कंधमाल रे तार तुलना नहीं। जो शह शह योजना कर लोक मान हितकर काम एवं विभिन्न प्रकार डेवलपमेंटल वर्क से मुख्य सहाय हो समस्त कैंडिडेट को एवं अच्युत सामंत को। अच्युत सामने कंधमाल मैदान में अच्छा बालेश्वर पूर्वतन सांसद खारबेल स्वाई। घर बाहुड़ा पर खारबेल को सीधा सड़क मिला कंधमाल टिकेट। बीजेडी संगठन और अच्युत लोकप्रियता आगे खारबेल कंधमाल कसरत कष्टकर होते भी मोदी सरकार सफलता को से मुख्य अस्त्र। बड़ शिल्प हो छोट शिल्प हो बसई केमी भल दरमार कम एटिकार युवक युवती मान मिल देखा हूँ गोटे काम। सरकारी ऑफिस मानकुरु लांच को बंद करिबा ये भी गोटे आमर गोटे बहुत बड़ काम हो। दारिद्र्य दृष्टिकोण रु ये समस्त पाखे पछुआ रही नहीं सामान हम अन्य को अतिक्रम नक अन्य जिला मानकु किमिति समास्कंद हम एटा हम मोर गोटे बड़ काम। मोर आशा मु बड़ अभिभूत हो पड़ी एटिकार लोक मैंने मत जमी स्नेह दौंती भावुची जे भल भोट्रे आम जीति
किंतु कंधमाल कांग्रेस उतारी नुआ चेहरा हाथ प्रार्थी होती बालीगुड़ वार्ड काउनसिलर थिबा मनोज आचार्य राजनैतिक परिवार आसीथिले भी एथर तंक पाई मैदान बड़ तेबे कांग्रेस कृषि ऋण छाड़ घोषणा सह स्थानीय अंचल विकास को से करिछंती मुख्य निर्वाचन मुद्दा वर्तमान तो आम कर्मी सब उत्साहित हो रही जेहेतु कंधमाल मटीर एक युवक को कांग्रेस टिकट दे तेणुक उत्साहित समस्त मनरे रही यहाँ आम को आगामी दिन फोकस रही विपुल विजय हो अच्युत प्रार्थित्व तो नहीं कंधमाल बीजेडी रे किसीटा विरोधर स्वर उठीले भी ताकु प्रशमित करिवार सफल होइछि बीजेडी पुणी थरे आसन कब्जा करने को बीजेडी पूरा दम लगाइथिबा बेले विरोधी ठारु मिलुछि कड़ा चैलेंज कंधमालु रंजन कुमार दास न्यूज 18 ओडिया। तीन दलर प्रार्थी घोषणा पर सबु स्थान भली भद्रक भी बेस अधिक राजनैतिक ताती तेरे राजनैतिक रूपरेख जहा थमना कहीं परिवारवाद राजनीति में छंदी हो जाएगी भद्रक लोकसभा आसन भद्रक भौगोलिक नक्सा राजनैतिक पाणिपाग बाबद सेते बेसी बुझी नथिले भी किए बापा सहारा रे तो किए स्वामी कांधे निर्वाचन बैतरणी पार हो लक्ष्य राजनीति में संपूर्ण नवागत तीन दलर प्रार्थी ना निजस्व भोट बैंक अच्छी ना निर्वाचन मंडल में दखल प्रचार प्रारंभिक पर्यायर लगुच प्रार्थी मानक निजस्व कौन एजेंडा ही ना तथापि दल और निज राजनैतिक पर भोट को पुंजी एमाने कूदी पड़ती 2019 बैटल ग्राउंड भद्रक परिवार फाइट राजनैतिक परिवारों भितरे लड़े तीन प्रमुख दलरु नवागत सांसदों पुओ पूर्वतन सांसदों झियो ना विधायकों स्त्री किए जितिब भद्रक लोकसभा आसन संरक्षित लोकसभा आसन में प्रार्थी घोषणा पर तीन दलर नवागतों पर भोटरों नजर तेरे परिवर्तित राजनैतिक पाणिपाग भितर एम सबुठ अधिक चर्चा रे आठ थर सांसद अर्जुन चरण सेठी पु अभिमन्यु सेठी पुओ को बीजेडी बैटल धरवे विफल होगापर शंख छाड़ी पद्म धरले सांसद अर्जुन सेठी आ तुरंत बीजेपी रु मिला टिकेट ता पर जोरसोर लग पड़ प्रचार रे शांत स्वभाव अभिमन्यु पूर्व राजनीति सह सेपरी संपर्क नथिबा बेले गत किछि मास हेला देखा मिलुथिला बापांको संगरे बापांको दीर्घ बर्षर राजनीतिक संपर्क तांकु निर्वाचन बैतरणी पार कराइबो बोली आशा रखिछंति अभिमन्यु अन्यपटे राजनैतिक स्थिति कथा कहिले भद्रक एकाधिक विधानसभा आसन में बीजेडी अंतकंदलरु तांकु मिलिपारे बड़ फायदा गत पांच दशंधि धरी भद्रक निर्वाचन मंडली लोक मान सेवा करी आछंती निर्वाचन रे केमिति रणनीति प्रस्तुत करा जाय तांकु भलो भाव रे जाना तांकर अभिज्ञता और आशीर्वाद तथा लोक मानकर सहयोग रे आमे निश्चय आगामी निर्वाचन रे सफल बोली मु भावुछि मु या भीतर जते एरिया रे बुललिनी लोक माने समस्ते नरेन्द्र मोदी जी को चाहूछंती तांकर जहाँ कार्यकलाप विगत दिन रही पसंद करछंती एवं पुणि थरे तंकु प्रधानमंत्री आसन रे बसिया पई मनस्थ करछन्ति बीजेपी रो अभिमन्यु को भली कांग्रेस प्रार्थी भी धरिछन्ति परिवार बैठक भद्रक लोकसभा मैदान को ओल्हाइछन्ति पूर्वतन सांसद अनंत सेठिंग को झियो मधुमिता उच्च शिक्षिता अंचल रो राजनीति रे सेपरी दखल नथिले भी बापांकर दीर्घ दिन रो अभिज्ञता ओ सांगठनिक दक्षता तंकु होई पारे सहायक तबे अपेक्षाकृत दुर्बल कांग्रेस संगठन को धरी कम समय भितर सातटी विधानसभा क्षेत्र में रणनीति प्रस्तुत करिबा मधुमिता होइपारे बड़ चैलेंज मुँ विगत 35 इयर्स हलाणी खाली भद्रक निर्वाचन मंडल नुह ता सहित जड़ित जिते पखापाखी अंचल निर्वाचन मंडल अवस्था भी देखी आस पर्यंत
ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୋର ନୂଆ ନୁହଁ। ଦୁଇଟା ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କର, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଭଦ୍ରକର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କହିବାକୁ ଗଲେ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇସ୍ୟୁଜ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମତଭେଦ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଦଳୀୟ ଜିନିଷରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶ ଧାରା ମୋ ମନରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପୁରା ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ଦଳ ଭିତରୁ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଶାସକ ବିଜେଡି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା। ବାସ୍ତବରେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନିଜେ ଥିଲେ ଆଶାୟୀ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନିଜେ ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଦେଖି ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଲବି। ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେଉ ବା ମହିଳା କାର୍ଡ ଖେଳିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଜେଡି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭଦ୍ରକ ରାଜନୀତିରେ ଖେଳିଗଲା ଆଲୋଡ଼ନ। ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କର ନା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲା କୌଣସି ଭାଗିଦାରୀ, ନା ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରେ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଦଳୀୟ ଭୋଟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ତାଙ୍କ ଜୟ ପରାଜୟର ଗଣିତ। ବିଶେଷ କରି ସାତଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନାରୀମାନଙ୍କର, ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଇପାରିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ, ଘରେ ଘରେ ଶଙ୍ଖ, ଯେଉଁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସବୁ କେମିତି ଯାଇକି ମୁଁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଭଦ୍ରକର ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ଆଠଥର ସାଂସଦ ଅର୍ଜୁନ ଚରଣ ସେଠୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏଠି ବଦଳି ଯାଇଛି ଗଣିତ। ପୁଅକୁ ପଲିଟିକାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପିରେ ମିଶିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଲଗାଇଦେବେ ସବୁ ଶକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଦ୍ରକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ବିଜେଡି ପାଇଁ ହୋଇପାରେ ଘାତକ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ର ପାରିବାରିକ ରାଜନୀତିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟପଟରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ପରିସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଭୋଟର ଏବଂ ସମୟ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ପାର୍ଥ ସାରଥି, ନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା ଆସନ କୋରାଇ, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରହିଥିଲା ଏବେ ବିଜେଡିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ବାପା ତଥା ପୂର୍ବତନ ଜନତା ଦଳ ନେତା ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ଗଡ଼। ଏହି ଆସନରୁ ହିଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାଜପୁର ବିଜେଡିର ଆଉ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଓରଫ ଦାନୀ ଘୋଡ଼ାଇ। 2009ରେ ଦାନୀ ଏଠାରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2014ରେ ସେ ଗଲେ ନିଜ ବାପା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘୋଡ଼ାଇଙ୍କ ଆସନ ସୁବିଧାକୁ, ଫଳରେ କୋରାଇରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ହୋଇଥିବା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ଆକାଶ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ବାଚନ ତ ଜିତିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦଳରେ ଜମିପାରିଲେ। ଆକାଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏଥର କୋରାଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେଡି, ପରେ ବିଜେପି, ଆଉ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇଛନ୍ତି ଅଶୋକ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ବି ନୂଆ ମୁହଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ନାୟକ, ବନ୍ଦିତା ପରିଡ଼ା। ବ୍ୟାଟଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋରାଇ, ଆକାଶଙ୍କ ବଦଳରେ ଅଶୋକ। ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିପାରିବ ତ ବିଜେଡି ନା ଝଟକା ଦେବେ ବିରୋଧୀ? ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ହଟ୍ ସିଟ୍ କୋରାଇ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ସରଗରମ ପଲିଟିକାଲ ଫାଇଟ୍, ସବୁ ଦଳର ଜୋରଦାର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। 2014ରେ କୋରାଇରୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ। ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଆକାଶ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ତ ଜିଣିଲେ, ବିଧାୟକ ବି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ଜମାଇ ପାରିଲେନି ସ୍ଥାନ, ଫଳରେ ଏଥର କଟିଲା ଆକାଶଙ୍କ ଟିକେଟ୍। ଆଉ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କୋରାଇରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଲା ବିଜେଡି। ଭୋଟରଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପୁଣି ନୂଆ ଚେହେରା ଆଣିଲେ ନବୀନ। କୋରାଇରୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଅଶୋକ ବଳ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ବ୍ୟାସନଗର କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଅଶୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି, ପରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ପଦ୍ମ। ତେବେ ବିଜେପିରେ ମାତ୍ର 14 ମାସ ରହିଲା ପରେ ଅଶୋକ କେବଳ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଫେରିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ହାତେଇଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଟିକେଟ୍। ଆନନ୍ଦପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ବଳ।
चर्चा होउछि आनंदपुर रु बीजेपी टिकेट पाइबा परे बीजेडी को डिया मारिथिबा भागीरथी सेठीक मिश्रण रे अशोकंकर थिला बड़ भूमिका। राजनैतिक गोटी चालना और संगठन मजबूत करिबारे माहिर अशोक कोराई मैदान रे भी बाजमात करबाकु करिछंति दृढ़ोक्ति। मु कोराई मैटेरियल नुआ मु नुए विगत दिन मानक विभिन्न सांगठनिक कार्यक्रम कोरई मटी मोर निजस्व स्थिति जाहिर रखी आज भी रखी कोरई मटीर विकास मो बाटे सठिक मार्ग आशा करके ए अभिनंदन रु ही बार्ता जगह आकाश दास नायक अशोक बल भितर किसी विभेद ना गोटे नेतृत्व को आम समस्त सम्मान करूँ से नेतृत्व को आयुध कर आकाश दास नायक विधायक होते एवं मत आज भी माननीय सभापति चयन करसी आशीर्वाद मो पर अच्छी रहिबो एवं ये विकास रे मु सामिल हे। बीजेडी भली कोराई रे बीजेपी रु बिनुआ प्रार्थी पत्रु चेहरा होछंती विश्वजीत नायक गत थरर कांग्रेस प्रार्थी 2014 रे पराजित होइतिले भी आकाशक विरोध रे चर्चा रे रहितिले विश्वजीत एबे सारा राज्य रे बीजेपी रो शक्ति वृद्धि होइतिबा बेले कोराई रे बाजी पलटाई बाकु करिछंती जोरदार प्रस्तुति निजर पुरणा सांगठनिक शक्ति सांगकु दलीय भोट बल रे विजय पई दृढ़ आशावादी विश्वजीत। बीजेपी आज जे नूतन ओडिसा देखिया देशर स्वप्न देखी निश्चित भाव से मिशन कोरई रु स्टार्ट हवा को जाउची लोक माने कोरई लोक माने मनस्थ कर सारे गोटे परिवर्तन हवा वर्तमान सारा कोरई रे बहुची निश्चित भाव कोरई रे परिवर्तन हेब। कोरई रे कांग्रेस रु बि नुआ मुह विश्वजीत दल छाड़ा पर हाथर प्रार्थी होती बंदिता परिडा व्यासनगर पूर्वतन पुराध्यक्षा निर्वाचन मंडल प्रमुख अंचल व्यासनगर म्युनिसिपालिटी पूर्व अख्तियारे म्युनिसिपालिटी भोट समेत पंचायत गुड़िकर दलय संगठन मजबूत करिछंती बंदिता आउ टिकेट घोषणा पर आरंभ करिछंती जोरदार प्रचार। एथर कांग्रेस ही कोराई आसन दखल करिबो बोली अछंती दृढ़ आशावादी। कांग्रेस सबले कुहेनी जहाँ कहे कार्यरे देखाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जे कि राहुल गांधी आसते ओडिशा ग्रस्तरे प्रथम करी जो आप जानते आमर तीन केन्द्र तीन टी राज्य जो दखल कले प्रथम हूँ कृषि उपरे से माने कृषि ऋण छाड़ कले राज्य बर्तन ओडिशा रे आम देखा प्रथम हूँ कृषि जेहेतु कोरई कृषि उपरे से माने निर्भर करती बर्तमान आम से कृषि उपरे जो ऋण छाड़ प्रथम करपर सोलार पंप दिजाव कृषक मान को पूर्व कोरई आसन बर्तमान शासक दल टाणुआ नेता तथा तो पूर्वतन मंत्री प्रणव प्रकाश दासों बापा अशोक दासों गड़ यही आसन अशोक बाबू छथर विधायक होगा सह रखि निजर अखंड पतियारा। अशोक दासों पर 2004 रे बीजेपी संचिता महांती एठारु निर्वाचन जीति बेले 2009 रु एजाए कोराई रही आसी बीजेडी दखल नहीं ही पॉलिटिकल कैरियर आरंभ करते प्रफुल्ल घोड़ाई पुओ प्रीति रंजन उर्फ दानी तेरे राज्य में परिवर्तित राजनैतिक पाणीपाग भितर कोराई में शासक दल उपर केते रास्ता रखिबे भोटर ता देखिबार कथा। जाजपुर सुजित मल्लिक न्यूज 18 ओडिया। उपकूल परे एबे जिबा पश्चिम ओडिशा को जिबा बलांगीर जिलार प्रमुख निर्वाचन मंडली पाटणागढ़ राज्य बीजेपी रो प्रभावशाली नेता कनक बर्धन सिंह देव गड़ गला 25 वर्ष है बीजेपी और केवी कब्जा रही आसन गला दुई पाड़ी है केवी को बीजेडी टक्कर देते भाई बहु प्रकृति देवी सिंहदेव किंतु एथर पाटणागढ़ दखल पर नुआ मुह को उतारी शासक दल कनक बर्धन को जोरदार चैलेंज देखते बीजेडी प्रार्थी सरोज मेहर कांग्रेस भी पाटणागढ़ भोटर सामना को आनी नुआ चेहरा दलर तृणमूल कर्मी रमेश पुरोहित गोटे पटे विकास नारा प्रतिश्रुति पूरण दाबी अन्य पटे प्राय 2,76,000 भोटरों आशा आकांक्षा ए सबु भितर देखा केमिति रही पाटणागढ़ राजनैतिक पाणीपाग। पाटणागढ़ रे कौन जारी रही राजा घर शासन लगातार षष्ठ थर सिंहासन आरोहण करे कि कनक बर्धन पाटणागढ़ दुर्ग रे आधिपत्य कायम रखि पारिब त बीजेपी ना गड़ जीति नेबे विरोधी।
ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ହଟସିଟ୍। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ରହିଛି ବିଜେପିର ଗଡ଼। ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ଥର ହେଲା ଏଠାରୁ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂ ଦେଓ। 2019 ମହାଲଢ଼େଇରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ମଇଦାନରେ କେଭି ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ବନ୍ୟା ଭିତରେ ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଉଥିବା କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଥର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତାର ଲମ୍ବା ଚିଠା, ବିକାଶର ଦୀର୍ଘ ବାର୍ତ୍ତା। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ନିର୍ତ୍ତାର କେନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ୟାସ୍ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସହ ଅଧିକ 2 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଭେଟି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଳି କେଭି ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଛନ୍ତି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିଓରି, ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିବ, ବିକାଶର ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ପାଟଣାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛନ୍ତି କେଭି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ସବୁବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା କହୁଛି ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ବିକାଶର ଯୋଜନା, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆପଣ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଆପଣ 103 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଟଲିଂ, ଗ୍ୟାସ୍ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ଇନ୍ଡୋର ଷ୍ଟେଡିୟମ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ନିର୍ତ୍ତାରର ସେଣ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 2 ଆଉ ନୂଆ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ବିକାଶର ଯାହା ଯୋଜନା ମୋଦିଜୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ସେପଟେ କେଭିଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଗଲା 2 ହେଲା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିବା ରାଜପରିବାରର ବହୁ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ମୁହଁ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଉତାରିଛି ବିଜେଡି। ଦଳର ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀ କେଭିଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ସେହି ବିକାଶକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସରୋଜ। କେଭିଙ୍କ 25 ବର୍ଷର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏଠାରେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 2 ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ପାଟଣାଗଡ଼ NSCରେ ମଧ୍ୟ 4 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖରା ମାସରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଟଣାଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା ହେଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆମ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ ଲୋକ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରଜା। ବିଜେଡି ଭଳି ପାଟଣାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଆଣିଛି ନୂଆ ମୁହଁ। ହାତରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ରମେଶ ପୁରୋହିତ, ଦଳର ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ। ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉ କି ଝିଣ୍ଟୁ ବରିହାଙ୍କ ପରିବାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ସ୍ନେହଲତା ନାଗଙ୍କ ରହସ୍ୟମୟ ମୃତ୍ୟୁ, ଏଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲଗାତାର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରମେଶ। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସାଧନା ଏଥର ଭୋଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ରମେଶ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇକରି ଆମେ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ବହୁତ କିଛି ଇସ୍ୟୁ କରିଛୁ, ଯେଭଳି ଚାବ୍ରିପାଲିରେ ଝିଣ୍ଟୁ ବରିଆର ଗୋଟେ ପରିବାରର 4 ଲୋକ ଅନାହାରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ବହୁତ ଇସ୍ୟୁ ଆମର ଆମେ ସେଠି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନ୍ୟବର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି 2019 ସେଠି କଂଗ୍ରେସକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ଶାସନ ସେଠି ଚାଲିଛି ରାଜ ପରିବାରର, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଆମେ ଉପାଡ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ିବୁ। 3 ବ୍ଲକ ପାଟଣାଗଡ଼, ବେଲପଡ଼ା, ଖପରାଖୋଲ ଓ ଗୋଟିଏ NSC ପାଟଣାଗଡ଼କୁ ନେଇ ଗଠିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଥର ବିଧାୟକ ବାଛିବେ ପ୍ରାୟ 2,76,000 ଭୋଟର। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର 19 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡିର ଶାସନ ଏବଂ ଏଠାରେ ଲଗାତାର 25 ବର୍ଷ ଧରି କନକ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବହୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ବାସୀ। ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ, ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ପାଲଟିଛି ମୁଖ୍ୟ ମୁଦ୍ଦା। ଆଜି 70 ବର୍ଷ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗିଛି।
ଏଇଟାକେ ସେଟଲ୍ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ଦଳ ଲୋକ ଆଗକେ ନିଆବାର କୌଣସି ଦଳ ଲୋକ ଆଗକେ ନିଆବାର ବା କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏନ୍କେ ଆସିକିରି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ନାଇଁ କହିବାର କି ଏଇ ଜିନିଷ ଜରୁରୀ ଅଛେ ଆମେ ଏଇଟାକେ ଏନ୍ତାକରି ସଲ୍ଭ କରିପାରମା ବୋଲିକରି ଯେ ପାଟନାଗର ଲାଗି ଗୋଟେ ନ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛେ ଏନୁକୁ ଯେନ୍ଟାକି 60 କିଲୋମିଟର ଅଛେ ତାର ଛଡ଼ା ଆମେ ଆମର ଲାଗି ଏନ ସ୍ୱାଧୀନତା 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ରେଲ୍ ଦେଖ୍ବାରଟା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ହେ ବିଜେପିର ଲାଷ୍ଟ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ନ ବିଜେପିର ଗଡ଼ ଏଇଟା ଆର୍ ନୂଆ ସରୋଜ ମେହେର ଯେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଛେ ସେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ 2 ଲୋକର ଭିତରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ହେବା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏଥର ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ଶାସନ ବଦଳୁ ବା ନ ବଦଳୁ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମରଣା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଏବେ ଯିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ହଟ୍ସିଟ୍ ପଦ୍ମପୁରକୁ ଯେଉଁଠି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ। ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମପୁରରୁ 4 ଥରର ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଆଉ କଂଗ୍ରେସରୁ 3 ଥରର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପୁରରେ ଏଥର ଟ୍ରିପଲ୍ ଫାଇଟ୍ ଲଢ଼େଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ଭିତରେ। ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ତେବେ ପଦ୍ମପୁରରେ ଗଲା 3ଟି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳକୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଆସନ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ହାତରେ ରହିନାହିଁ। 2004ରେ କଂଗ୍ରେସ, 2009ରେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ 2014ରେ ବିଜେପି। ତେଣୁ ଏଥର କେଉଁ ଦଳକୁ ବାଛିବେ ପଦ୍ମପୁର ଭୋଟ, କ'ଣ ରହିବ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଭୂମିକା, କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଢଳିବେ ପ୍ରାୟ 25,000 ନୂଆ ଭୋଟର, ଏସବୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ମୁହଁ ଲଢ଼େଇ ନୂଆ ପଦ୍ମପୁରରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କୁ କିଏ ଦେବ ଟକ୍କର, ପୁଣି ଥରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ାଇବେ କି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ, ନା ପୁଣି ଥରେ ଆସନ ଦଖଲ କରିବେ ସତ୍ୟଭୂଷଣ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ଏଠି 3 ଦଳ ଭିତରେ କାଟେକା ଟକ୍କର। ପଦ୍ମପୁର ମୈଦାନରେ ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ଟକ୍କର ଦେବେ 4 ଥରର ବିଧାୟକ ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ 3 ଥରର ବିଧାୟକ ସତ୍ୟଭୂଷଣ ସାହୁ। ଆପଣ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧୂମା ଭଟା ଗାଁ, ମତେ ସେ ଗାଁରେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ପଚାରୁନ୍, ଏଟା ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ସେ ଯେନ୍ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଆଜି ଯାହା ରାସନ ମିଳୁଛେ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ, ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଛେ, କେନ୍ ସରକାର ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ବିକାଶ ଧାରାକେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଜାୟ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହଉ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପଦ୍ମପୁର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଂଗ୍ରେସ କବ୍ଜାରେ ରହିଥିଲେ ବି ଗଲା 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଠି ବଦଳି ଯାଇଛି ଗଣିତ। 1990ରୁ 2014 ପ୍ରଥମେ ଜନତା ଦଳ, ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 6ରୁ 4 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ। କିନ୍ତୁ 2014ରେ ବାଜି ପାଲଟାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଦୀପ। 2009ରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମୋଦି ହାୱା ଭିତରେ ସିଧା ଲମ୍ଫ ମାରିଲେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ। ଏଥର ବି ପ୍ରଦୀପ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ଓ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆସନ ପୋଛି ନେଇଥିବା ଭାଜପା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ। ତେବେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଆଗରେ କଣ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜୁ ଖିବେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ କରିବା ସହ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଜନ ସଂଗଠନ ତା'ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଯେଉଁଠିକୁ ଗଲେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲୋକେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ବିଜୟୀ କରାଇବେ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ 3 ଥର ଭୋଟ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଠି ସତ୍ୟଭୂଷଣ 3 ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ଏଠି ବିଜୟ ବରିହା 4 ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲେ, ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା, ଏଠି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ
मध्ये थोरे लोक भोट दे किंतु तार सत्वे भी कहीं आशा आकांक्षा पूरण कर पारि ना से मो ऊपर लोकंर भरोसा और आशा अति मात्रा रे बढ़ी जाइछि और जो मात्रा रे लोके आज चाहूंट निश्चित भाव में विजय लाभ करी। 2014 रे सत्यभूषण स्थान में प्रकाश नारायण को टिकेट देखा कांग्रेस एथर पुणि थे भरोसा करणा चेहरा उपर निजस्व भोट बैंक सांग को कृषि ऋण छाड़ धान मूल्य 2600 टंका करबा बेकारी को निजुक्ति महिला स्वावलंबी करबा भली राहुल गांधी प्रतिश्रुति को नहीं भोटर को आकृष्ट करने को उद्यम करेस तीन थर विधायक सत्यभूषण साहू राहुल बरगढ़ गस्त पर पद्मपुर में पुणी हाथर विजय नहीं करती दृढ़ोक्ति मो 100 रु 100 आशावादी मोर जय जय निश्चित भाव हे जय युक्त हेबे एवं मो जनसाधारण मुद्दा नहीं आज लड़ुची जनसाधारण को समस्या समाधान करने मु आगर भी चेष्टा कर लोक प्रतिश्रुति जो सब अधरा कम रही आम एथर पूरा करवा से ही आस्था लोक मोर प्रति अच्छी मोर विश्वास से ही आस्था मतलब भोट देवे लोक। बरगढ़ जिलार पद्मपुर पाइकमाल झारबंध ब्लॉक समेत पद्मपुर एनएससी को नहीं गठित पद्मपुर विधानसभा निर्वाचन मंडली एथर विधायक बाछबे 248,000 भोटर एम गुरुत्वपूर्ण भूमिका तुलाइबे 24,600 नुआ मतदाता अंगबंध और तिरोली प्रकल्प पद्मपुर नुआपड़ा रेलपथ निर्माण पद्मपुर को स्वतंत्र जिला मान्यता पद्मपुर एनएससी रे पानीय जल जोगाण सह मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल को जलसेचन व्यवस्था आदि एथर पलटि निर्वाचन मुख्य मुद्दा। तबे देखा कथा पुणा खेलाड़ी और हेवीवेट लड़ाई में किए दखल कर पद्मपुर बरगढ़ जिला पद्मपुर रंजन देवता न्यूज 18 ओडिया। एबे जीवा शिल्प क्षेत्र तलचेर को अनुगुल जिलार अन्यतम गुरुत्वपूर्ण विधानसभा निर्वाचन मंडल औद्योगिक विकास भितर केते होइछि तलचेर विकास गला दुई थर हला एठारु जिदी आसुछन्ति ब्रजकिशोर प्रधान 5 वर्ष हला पर से शासक दल रे अछन्ति किंतु तलचेर विकास करिवारे केते सक्षम होइछन्ति ब्रज एथर बीजेडी प्रार्थी भावे तांकु देबाकु होइछि जनतांकु हिसाब ब्रजंकु एथर भी बीजेपी रु टक्कर देबे कालंदी समल 1995 2000 और 2004 पूर्वर तीन थर तालचेर रे बीजेपी रो होइछि विजय एथर मोदी विकास नारा को नहीं बाजी पलटाइबा को अभियान चलाइछन्ति कालंदी ए दुहिं को कांग्रेस रु टक्कर देबे नुआ मुह सुरेश बेहरा। शिल्प क्षेत्र पलटिछि राजनैतिक कुरुक्षेत्र तलचेर रे पॉलिटिकल बैटल लगातार तृतीय थर पाई हेब कि ब्रजंक विजय आसन बजाय रखी पारिब कि शासक दल ना बीजेडी को मात देबे विरोधी अनुगुल जिलार गुरुत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र दुई थर विधायक तथा बीजेडी टाणुआ नेता ब्रजकिशोर प्रधान आसन तलचेर रे जोरदार कसरत टिकेट घोषणा नामांकन दाखल तापरे जोर धरी प्रचार प्रथमे कांग्रेस तापरे बीजेपी आउ बीजेपी बीजेडी मेंट भांगिबा परे गला गोटे दशंधि हेला आसन में रही ब्रज प्रधान दबदबा कांग्रेस राजनैतिक क्यारिअर आरंभ कर ब्रज को 2009 दलियों टिकेट न मिलबारु स्वाधीन भाव लड़िले निर्वाचन बीजेडी प्रार्थी तथा तीन थर विधायक महेश साहू को हर प्रथम थर पर विधायक तापरे तांकु बीजेडी रु मिलला निमंत्रण 2014 रे शंख चिन्ह रे लड़ी लगातार द्वितीय थर पर विधायक हेले ब्रज प्रधान एथर मध्य नारे ही मोहर मारी बीजेडी सुप्रीमो ए माटी रो पुओ मा हिंगुळांको आशीर्वाद जगन्नाथ को अपार करुणा एवं माननीय मुख्यमंत्री 6.5-4 कोटी जनमानस प्रतीक तांकर भल पाइबा मो प्रति निश्चित भाव आगामी दिन में आहुरी खोराक जुगेइबो तालचेरवासी आहुरी समस्या का समाधान करने आहुरी निकटतर हो लोक समस्या को समाधान कर बीजेपी ना कांग्रेस तालचेर रे ब्रजंकु किए देव चैलेंज
आउ निर्वाचन मैदान में नाहंती 2009 ब्रजों विरोध में लड़ा बीजेडी प्रार्थी महेश साहू किंतु 2014 भली एथर भी ब्रजों को टक्कर देवे कालंदी सामंत लगातार तृतीय थर पर बीजेपी प्रार्थी होता कालंदी प्रस्तुत कर दमदार रणनीति या भितर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तालचेर एफसीआई कारखानार भित्तिप्रस्तर स्थापन सह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बारंबार गस्त बीजेपी क्यांप्रे भरी उत्साह शिल्प समृद्ध तालचेर बेकारी ग्रामांचल पानी जल आदि प्रसंग को नहीं कालंदी घेरुं शासक दल को मोर मनोनयन पत्र दाखल कार्यक्रम तालचेरवासी स्वतप्रत भाव तालचेर विकास मत आशीर्वाद करने नरेन्द्र मोदी विकास कार्य को आशीर्वाद करने धर्मेन्द्र प्रधान तालचेर प्रति जो अवदान अच्छी समर्थन देवाई विशाल संख्यार तालचेरवासी उपस्थित अच्छा तेणु मुझे कृतज्ञता ज्ञापन करपटे गला दुई थर भर भी तालचेर भोटर सामने नुआ प्रार्थी उतारी कांग्रेस हाथ चिह्न नामांकन भरी सुरेश बेहरा विस्थापितों समस्यार समाधान प्रदूषण प्रतिकार करने तालचेर मेडिकल कॉलेज कार्यक्षम विलंब बेकारी समस्या आदि को करवाचनी प्रसंग राहुल निर्वाचन इस्ताहार तालचेरवासी भितर कांग्रेस प्रति अधिक विश्वास जन्माई गृहोक्ति सुरेश सेपटे तालचेर बैटल ग्राउंड में लड़ाई नामांकन भरी स्वाधीन प्रार्थी मनोज प्रधान आशा तो आम कांग्रेस वाला निश्चिंत जितबु कहीं कांग्रेस जहाँ कर केन्द्र में थकने जो सरकार बा राज्य थकिन से सरकार किसी सी करना ये समस्ते माने तालचेर निर्वाचन मंडली सी सब 2019 को जवाब देवे जे 18-19 वर्ष जनता उपकृत ना नेतार उपकृत हो गत 5 वर्ष है गोटे तालचेरिया लड़े आम लड़ुजु से तालचेरिया लड़े को सफल करने आज आम स्वाधीन भाव में नामांकन पत्र दाखल कराणी गत 5 वर्ष है गोटे तालचेरिया लड़े विभिन्न दाबी नहीं 6-7 मुख्य दाबी तालचेर समस्या तालचेर वर्तमान आ भविष्य को सुरक्षित रखापी जो किसी दाबी आम नहींजु से दाबी लड़े कर गोटेपटे टिकेट घोषणा पर भोटर को प्रलोभित करने को नेता छक्का पंजा अंपटे शिल्पांचल तालचेर जनता बहुविध समस्या भूस्खलन प्रदूषण पानी जल संकट बेकारी आदि समस्या एथर तालचेर बैटल ग्राउंड में मुख्य प्रसंग राजनीतिक स्थिति आमर बीजेडी एडु 100% जितब कौन पाई वर्तमान रो स्टैंडिंग एमएलए अच्छा ब्रजबाबू से जेकोसी काम कर स्वास्थ्य कहतु शिक्षा कहतु बिजुली कहतु गमना कहतु मान जेकोसी काम कर सबुठे सफल काम कर प्रतिदिन भी कहले कहीं ना खाली मिछड़े खाली मान भाषपोट मार्च कि भाया नेता मिलवा संभव क्या तो कहली बोले आगे ना कहले मत पिटब किए मो इच्छा है मत जी खाया देली बीजेडी को भोट नदे आम जीवन से जेहेतु राशन कार्ड करदे मेडिकल फी करदे तापर पा सुविधा करदे विपद पड़े से सबुठी आम हाजर हेले आम ताकू छाड़ कड़े जापर गोटे पटे लोकों समस्या अंपटे निर्वाचन ऋतु नेता प्रतिश्रुति देखा कथा 2019 पर केते बदल तालचेर चित्र आउ केते दूर हेब अंचलवासी समस्या तालचेर भिकारी महांती न्यूज 18 ओडिया। एबे जीवा आदिवासी बहुल मयूरभंज बांगीरीपोषी विधानसभा केन्द्र जेउठारु प्रतिनिधित्व करुछंती जणे पूर्वतन सांसद पूर्वतन आज्ञा आमे कहुछु जेएमएम रो पूर्वतन टाणुआ नेता तथा एथर बीजेडी विधायक प्रार्थी सुदाम मारांडी कथा तेब एथर बांगीरीपोषी केमिति रही सुदाम स्थिति गत पंचायत निर्वाचन में बांगीरीपोषी समेत पूरा मयूरभंज में बीजेपी जमी शक्तिशाली प्रदर्शन करी देखिले एथर बीजेडी और सुदाम आगे कड़ा चैलेंज सुदाम को टक्कर देवाक बीजेपी निर्वाचन मैदान को ओह्लर ही पूर्वतन अनुगत सुग्दा मुर्मू सेपटे सुदाम पुणा दल जेएमएम सह मेट कर उभय बीजेडी और बीजेपी आगे आह्वान सृष्टि कांग्रेस बीजेडी गड़े
विरोधी हुंकार सुदाम आगे कड़ा चैलेंज एथर किए दखल कर बांगिरी पोषी पंचायत निर्वाचन सफलता दोहराई पार कि बीजेपी आदिवासी बहुल अंचल जोर धरी ताती बांगिरी पोषी सरगरम राजनीति गत पंचायत निर्वाचन में अभूतपूर्व सफलता पर उत्साहित बीजेपी कैंप एथिपाई दल आगुआ प्रार्थी घोषणा भी करी बीजेपी टिकेट पाई सुदा मुर्मू बीजेपी कौन न कर सतर वर्ष भारत स्वाधीन पर कौन सी सरकार भावी नथिला एते गुड़ाए योजना तैयारी हबो आज लोकों पाखे पहुँची पारिचे जो लोकों पाखु आज बीजेपी पहुँची नरेंद्र मोदी घरे घरे पहुँचे एवं नरेंद्र मोदी बार्ता साधारण गोटे छोट पिला भी जाणीगला वर्तमान आम मोदी सरकार जहाँ कर एम हूँ फास्ट ऑब्जेक्टिव हूँ जे आदिवासी माने सबुठ ड्राउन टोडेन समाज रे सबुठ निष्पेषित तांकु जदि आमे ऊपर स्तर को न आणवा तार देशर उन्नति हेला बोली कहा जाय पारिबो नाही दुईथर समिति सभ्य दुईथर जिला परिषद सभ्य होइथिबा सुदा मुर्मू एकदा पूर्वतन जेएमएम नेता तथा एवं बीजेडी विधायक सुदाम मारांडींकर थिले एकांत घनिष्ठ तेणु एथर बीजेडीरु संभाव्य प्रार्थी सुदाम मारांडींकर पई कोड़ा चैलेंज हेबे बीजेपी रो एही प्रार्थी ताछड़ा गत पंचायत निर्वाचन में मयूरभंज में ढेर बढ़ी भारतीय जनता पार्टी प्रभाव पतियारा जिलार 56 जिला परिषद आसन मध्य 49 को कब्जा करजेपी पुणी यही निर्वाचन मंडल अधीन आसुवा श्यामाखुंटा बांगिरीपोषी कुलियणा ब्लक 6 जिला परिषद जोन रही बीजेपी अख्तियार एणु 2019 महालढ़ई में बांगिरीपोषी में बीजेडी को मिल कड़ा टक्कर बांगिरीपोषी विधानसभा निर्वाचन मंडल थरे मंत्री थरे सांसद हालापर चार चार थर विधायक होते सुदाम मारांडी किंतु भोटर को देखा प्रतिश्रुति के पालन करते एने जोजोग करूँ कि क्यमेरा सामने कौन प्रतिक्रिया देखिए मना करते अनेपटे बीजेडी और बीजेपी को कड़ा चैलेंज देवा प्रस्तुति करी कांग्रेस और जेएमएम मेंट सुदाम बाबू टाणुआ होते से दल छाड़ी जा न था बीजेडी जितवापी से समय बीजेडी हवा था तेणु से टाणुआ नुहे से वर्तमान फगड़ा बाघ हिसाब रे से परिचय ही सारी केवल हाँकबे किंतु काम किसी करे गोटेपटे निर्वाचन रणभरी ता भितर समस्या घाटी होता बांगिरीपोषीवासी मान स्वर के प्रभावशाली हो पड़ी ताहा कह आगामी निर्वाचन फलाफल आदिवासी बहुल अंचल शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन विद्युत जोगाण सबु क्षेत्र में पछुआ अवहलार शिकार बांगिरीपोषी बासिंदा समाखुंटा ब्लक बलढ़िया ड्यम्र भग्न अवस्था जो विपन्न होषि क्षेत्र आदिवासी को स्थायी जमीपट्टा सह विजु पक्का घर जोगाण में पात्र अंतर अभियोग हुए चारि चारि थर विधायक सहित एठी राज्य सरकार चलती किंतु विधायक तो आम निजर से चार थर विधायक हेले आज पर्यंत भी चाषी मैंने जोटा चाष चाषी आस हूँ देशर मेरुदंड किंतु सुवर्णरेखा केनाल जहाँ जहाँ कि चाषी मैंने निर्भर करने पूरा आशा और भरोसा रखिंट आज पर्यंत पूरण हो पारि ना चार चार थर तो निर्वाचन सरीगला मु तो निर्वाचन हाँ सरीगला मु तो 2009 मसीह देखुची जी जमी रास्ता घाट सेमी पड़ी मेन समस्या है सेठिकार एपर्यंत बाल्डिया डैम्र पंक उधार सरनी जहाँ कि सेठर जेहेतु आदिवासी अधूषित अंचल तेणु एटी समस्ते चाष उपर डिपेंड करती तेणु आपणकर चाष देखला बेलू आपणकर पानी जदि ठीक टाइम ठीक जगह आपड़ आसी पार नथिबो लोक चाषपाई हत मानने हंतसंत हो गोटे पटे निर्वाचन रणभेरी ता भितर समस्या रे घंटी होता बांगिरीपोषीवासी स्वर के प्रभावशाली होहा कह आगामी निर्वाचन फलाफल बांगिरीपोषी रवींद्र नायक न्यूज 18 ओडिया केन्द्रीय नेता घन घन गस्त ओडिशा रे सरगरम निर्वाचनी परिवेश
ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ରହିଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ 2019। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପଲିଟିକାଲ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।